नमस्कार, इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के 3233 थाने से, और देख सकते हैं किस तरीके से उत्तम नगर में दिवाली के दिन जो है एक महिला की डेड बॉडी एक घर में मिली थी और उसका जो आरोपी है फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। 3233 थाने के जो इंचार्ज है उनसे भी आगे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। एक बड़ी कामयाबी जरूर हासिल की गई है, इस व्यक्ति को जो है पकड़ा गया है उस मामले में। उत्तम नगर में एक घर बन रहा था जहाँ महिला की दिवाली के दिन जो है डेड बॉडी मिली थी, जिसके पास आसपास के जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं खौफ का माहौल जरूर पैदा हो गया था। फिलहाल आरोपी को जो है पकड़ लिया गया है। वीडियो को शेयर जरूर करें, आगे चलकर बातचीत करेंगे यहाँ के जो थाना इंचार्ज है उनसे कि क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ वो बताना चाहेंगे। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जो एक महिला का शव प्राप्त हुआ था, कैसे किस तरीके से इस गुत्थी को सुलझाया गया है, क्या मैटर है? एक्चुअली मैम, जो हमें 4 तारीख को एक हमारे थाना में मर्डर का केस दर्ज हुआ था जिसमें महिला की हत्या की गई थी, तो शुरुआती तौर पर तो वो अननोन के खिलाफ ही उनके परिजन ने मामला दर्ज करवाया था, लेकिन उसमें हमें कुछ लीड मिली। परिवारों वालों ने कुछ हमें डाउट क्रिएट किया किसी पर्टिकुलर आदमी के ऊपर, तो जैसे हमने उस विषय में इन्वेस्टिगेशन या उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन किया, तो उसने इस मामले के बारे में कन्फेस किया है कि भी उसने इस लेडी का मर्डर किया है। क्या नाम है? क्या कारण इसका पता? आरोपी सर राजेश कुमार है आरोपी का नाम। सर कहाँ रहता है, क्या करता है? ये मेन्स मजदूरिया काम करता है और बेसिकली ये यूपी का रहने वाला है। आजकल ये इसमें उत्तम नगर करनाल में रहता है। तो क्या कुछ रंजिश थी इसकी महिला के साथ? जी, इसका कुछ जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आया है, फ़ोन पे भी उस महिला से कोई कुछ टाइम बातचीत भी हुई थी, और जिस दिन उनको हत्या की गई है उस दिन भी ये उनको अचानक कहीं रास्ते में मिल गए थे, तो उनको गुमराह करके किसी खाली मकान की तरफ ले जाया गया और किसी रंजिश के वजह से और इन्होंने उसकी खिलाफ। सर, आरोपी का मकान मालिक से कोई कनेक्शन है जिनका वो मकान बन रहा था? नहीं मैम, उनका कोई कनेक्शन नहीं। तो कहाँ बदलवा सर इसे? जी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर इसका मानसिक संतुलन ठीक है? हाँ जी, मानसिक संतुलन। मर्डर कैसे किया? इसने आरोपी ने कोई रस्सीनुमा चीज से और इसका गला घोट कर उससे मर्डर किया। हाँ जी, अभी पेश करके हम पुलिस रिमांड इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको शेखपुरा रोड से यहाँ लोकल करनाल से गिरफ्तार किया। पहले कोई बाधा था? वो रिकॉर्ड चेक करने के बाद। सर इसने भागने का प्रयास किया था? जी हाँ, ये छुपा हुआ था 2 दिन से मर्डर के बाद से, तो हमने भी काफ़ी इसके बारे में एफर्ट्स किए, तो काफ़ी एफर्ट्स करने के बाद इसके सुराग चला। महिला के परिवार में कौन कौन है? महिला के परिवार में देखिए उसके हस्बैंड है ओनली, बाकी वो जहाँ पे जिस एरिया में उनका मर्डर हुआ था वो अपने रिश्तेदारों से उस एरिया में मिलने के लिए जाती थी अक्सर। सर अभी आरोपी से किसी कारण का पता चल पाया है कि क्यों उसने ऐसे किया? देखिए, कोई बताया है मैंने कि उनकी रंजिश थी, रंजिश वर्षी उसने अचानक ऐसा वो किया। आरोपी शादीशुदा है सर? नहीं, अनमैरिड है। कुछ बरामद नहीं हुआ सर रस्सी वगैरह? वो चीज़ रस्सी तो एक्चुअली महिला के गले में ही उस टाइम थी मौके पे ही, जिससे इन्होंने उसको गला घोट कर मारा था, और बाकी कुछ चीज़ें जो उस महिला का मोबाइल फ़ोन है, कपड़े हैं या कुछ कैश था वो जो आरोपी लेके गया था, वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हम पूछताछ करेंगे उसके बाद ही उसके। एज क्या आरोपी की? एज 38 के करीब एज है। जी आरोपी के परिवार में ये अकेला ही रहता है यहाँ पे, तो बाकी इनकी फैमिली। तो ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे करनाल के 3233 थाना से, जहाँ यहाँ की पुलिस को जो एक बड़ी कामयाबी जरूर हासिल हुई है। कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी किस तरीके से उत्तम नगर में बन रहे एक घर में जो एक महिला का शव बरामद हुआ था, और बताया जा रहा है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की एज लगभग 38 ईयर्स के करीब बताई जा रही है। पुरानी रंजिश के चलते जो है ये मर्डर किया गया है। महिला का जो है गला घोट कर, एक शू लेस से गला घोट कर जो है उसकी उसका मर्डर किया गया था, और बताया जा रहा है कि महिला जो है इस आरोपी से पिछले काफी समय से कांटेक्ट में थी, फोन पर अक्सर बातें किया करते थे। महिला के परिवार में सिर्फ और सिर्फ उसका पति है। सुबह जब महिला घर नहीं थी तो उसके बाद जब वहां पर एक डेड बॉडी मिलती है, आसपास के लोगों द्वारा जो है इनको इन्फॉर्म किया जाता है, तो पुलिस जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है, और जिसका वो मकान बन रहा था उससे उनका जो मकान मालिक और आरोपी का जो बताया जा रहा है कि कोई भी कनेक्शन नहीं है। फिलहाल लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के 3233 थाना से। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ की पुलिस को एक
बड़ी कामयाबी जरूर हासिल हुई है और जल्द ही विद इन 2-3 डेज जो है इस गुत्थी को बहुत ही अच्छे से करनाल पुलिस ने सुलझा लिया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के 3233 थाना से, सहयोगी साहिल शर्मा के साथ मैं नीरा माटा, डिप्टा हरियाणा करनाल। नमस्कार, इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के 3233 थाना से और आप देख सकते हैं उत्तम नगर में दिवाली के दिन एक महिला की जो है डेड बॉडी मिली थी। दिवाली से एक दिन पहले वहां पर जो है शव मिला था संदिग्ध परिस्थितियों में और अब आप देख सकते हैं उसके आरोपी को जो है पकड़ लिया गया है 3233 पुलिस द्वारा। जो है उन्हें एक बड़ी कामयाबी मिली है, जल्द ही इस गुत्थी को बहुत ही जल्द ट्रेस कर सुलझा लिया गया है। क्या पूरा मामला है एक बार थाना इंचार्ज से SHO सर जो है उनसे बातचीत करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहे हैं।